किसान इन दिनों 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारियों में जुट गए हैं और लोगों से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच यमुनानगर में 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इसी बीच किसानों ने 26 जनवरी की तैयारी को लेकर तिरंगे झंडे भी बांटने शुरू कर दिए और किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 23 जनवरी की सुबह दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। वहीं किसानों का दिल्ली जाने को लेकर कहना है कि यमुनानगर टोल प्लाजा पर ही दिल्ली जाने के लिए सभी किसान इकट्ठा होंगे और सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर किसान यूनियन और भारत का तिरंगा लगाकर निकलेंगे। किसानों का कहना है कि गुरनाम सिंह चडूनी के कहने पर अकेले यमुनानगर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली कूच करेंगे। यहां से टोल प्लाजा से ट्रैक्टर सारे हजारों की तादाद में जाएंगे और चडूनी जी का आह्वान है, उन्होंने बोला भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और तिरंगा झंडा लगाकर और किसान यूनियन का झंडा लगाकर हजारों ट्रैक्टर कल दिल्ली कूच करेंगे। तो यहीं से सब कुछ तैयार किया जाएगा, यहीं से जैसे चलेंगे? हाँ जी, सब कुछ यहीं से तैयार किया जाएगा। टोल प्लाजा से सभी किसान यहाँ पहुँचेंगे और 11 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो आज कुछ तिरंगे भी बांटे गए? आज तिरंगे बांटे गए, सब लोगों को झंडे दिए गए किसान यूनियन के, ट्रैक्टरों की तैयारी की, तरपाले लगाई और लोग तैयार करेंगे। आपको बता दें, किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार किसानों से शांति पूर्वक धरना देने की बात कह रही है। सरकार का कहना है कि 26 जनवरी हमारे लिए गर्व का दिन है और किसान इस दिन ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। किसानों और सरकार के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को वापिस करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार 26 जनवरी तक किसानों की बातें मानती है या फिर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के अपने फैसले पर ही अड़े रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।